नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार ने बढ़ाया भारत के प्रति भरोसा, प्रमुख बैंकिंग समूह DBF ने कहा। भारत की नई सरकार ने देश के प्रति विश्वास बढ़ाया है। सिंगापुर के प्रमुख बैंकिंग समूह DBF ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इससे कुल मिलाकर व्यापार के लिए छवि अच्छी हुई है। अपनी रिपोर्ट इंडिया टाइम टू डिलीवर शीर्षक से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में DBS बैंक ने हालांकि आगाह करते हुए कहा कि इस भरोसे को लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं होगा। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन का रेल यातायात पर असर। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में सैकड़ों गुर्जरों ने तुरंत 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर डुमरिया और पीलू का पुरा के निकट रेल ट्रैक को जाम कर दिया। जाम के चलते कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, जबकि कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस बीच बैसला ने कहा कि गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर हम सरकार से वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। उधर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार हमेशा वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए गुर्जर नेताओं को जयपुर आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवादी राजनीति पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य के लोगों से जात पात से ऊपर उठने और सबसे बेहतर को समर्थन देने की अपील की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कृतियों के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बिहार को प्रगति और समृद्धि की सोच के साथ आगे ले जाने को प्रतिबद्ध हैं और इस राज्य की प्रगति के बिना भारत का विकास अधूरा है। केजरीवाल ने कहा, केंद्र की अधिसूचना भाजपा की घबराहट को दिखाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए शुक्रवार को कहा कि यह उनकी सरकार के भ्रष्टाचार रोधी प्रयासों के बारे में भाजपा की घबराहट का द्योतक है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि भाजपा पहले दिल्ली चुनाव हार गई, आज एक बार फिर हार गई। IPL सट्टेबाजी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के छापे। प्रवर्तन निदेशालय ने IPL T20 क्रिकेट मैचों से जुड़े सट्टेबाजी गिरोहों के खिलाफ हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई और जयपुर समेत कई शहरों में शुक्रवार को छापे मारे। सूत्रों ने बताया कि इन शहरों में 8 से 10 इमारतों और ठाणे तथा गुड़गांव में भी छापे मारे गए। एजेंसी के अहमदाबाद कार्यालय ने इन शहरों में अपनी स्थानीय इकाइयों के सहयोग से छापे मारे। सूत्रों ने बताया कि इस अभियान में 30 से अधिक अधिकारी शामिल थे। एक जानकारी के मुताबिक सट्टेबाजों का रैकेट 1000 से 4000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।